गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट डे या लास्ट वीक आपका चैप्टर 10 इंड हो चुका है। आज आपका चैप्टर 11 है। 11 में देखिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कुछ स्टेटमेंट इसमें हमने आपको पीडीएफ किए थे, जिसमें लाइन का, लाइन ऑफ, टाइप्स ऑफ लाइन का या लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना, इसमें कुछ चीज़ें हमने आपको सेंड की थी। रेज हुआ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, ये सब चीज़ें हमने आपको सेंड कर चुकी है, पीडीएफ में हमने सेंड कर दिया है। उसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में राइट कर लेंगे। और आज हम यहाँ ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.1 में हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया, आर्क आर डार्क कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। इसमें क्या फिल करेंगे आप लोग? आप लोग अपने जो हमने पीडीएफ अभी सेंड कर दिया है उसमें आप लोग फिल कर लेंगे लाइन। क्या फिल करेंगे? लाइन। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, लाइन जो है दोनों साइडों में, ठीक है ना, एक्सटेंड होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये लाइन है। हमने पीडीएफ में लाइन इसीलिए हमने भेज दिया था कि आप उसके बारे में डिटेल में जान लें, रीड कर लें। लाइन दोनों साइड में येलो ऐसे आपका ड्रा हुआ हुआ होता है, ठीक। अब ये एक्सटेंड करें मतलब ये दोनों साइडों में एक्सटेंड होती है, बोथ साइड यानी इधर भी जितना चाहें उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना चाहें उतना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ क्या आप फिल करेंगे? आ लाइन, लाइन फिल करेंगे। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, ओके, इसको यहाँ फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, आर्क आर डार्क इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, क्या है? आर्क आर डार्क इज द पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का पार्ट देखिए है तो लाइन, लाइन सेगमेंट फिल कर लोगे। क्या फिल करोगे? लाइन सेगमेंट, यहाँ आप लोग लाइन सेगमेंट फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, अ रे हैज अ फिक्स्ड डॉट डॉट पॉइंट, यहाँ क्या फिल करेंगे? अ रे हैज फिक्स्ड डॉट डॉट पॉइंट, यहाँ स्टार्टिंग फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? स्टार्टिंग। देखिए रे जो होता है वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर रे में क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है और वन साइड में ही एरो होता है, ओके, वन साइड में एरो होता है। ये रे जैसे रेज किरण, रे जो होता है वो वन साइड, वन डायरेक्शन में ही वर्क करता है, ठीक, वन डायरेक्शन में ही ये एक्सटेंड होता है। अब जैसे देखिए टार्च है, टार्च को आपने लाइट किया, जलाया जैसे उसको, तो जहाँ एक पॉइंट से ना, एक पॉइंट से तो स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट करें तो जिधर घुमा के उधर उस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये रे हुआ, ओके। जैसे बल्ब है, बल्ब को आपने लटका दिया और उसको जैसे ऑन किया, जल गया, जलने के बाद देखते उसमें वो मेन पॉइंट से ही तमाम पता, यानी फोर डायरेक्शन या चारों तरफ जो है उसकी रेज फैलती है, ओके, तो एक पॉइंट से वो हो रहा है, ठीक। जैसे सन है, सन भी जो है, सन की रेज चारों तरफ उसकी रेज है, उसकी किरणें आती हैं, लेकिन वो भी एक पॉइंट, वहाँ एक जो है मेन सेंटर है, वहाँ से तो ही आ रहा है सर, वहाँ से उसकी तो रेज आती है। तो रेज वन कहने का मतलब वो डायरेक्ट उसको अगर लाइन तरीके देखा जाए तो लाइन, जैसे लाइन क्या है, लाइन टू डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी, ये जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेज को, रेज यहाँ से अगर आपको कोई लाइट हो रहा है तो वन डायरेक्शन में ही आप जो है इसको ये अपना वर्क करती है, ठीक। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? स्टार्टिंग। क्या फिल करेंगे? स्टार्टिंग। डी है, मेनी डॉट डॉट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, मेनी, अब यहाँ से देखिए मेनी डॉट डॉट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ रेज फिल करेंगे। क्या? मेनी रेज, मेनी रेज कैन बी ड्रॉन
ग्रहण फ्रॉम द सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने बहुत सी ग्रहण है, ठीक है ना, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट जैसे सन की अभिनय बताया, सन की सन है, सन से जो रेज मैनी रेज उस पर होती चारों तरफ फैलती है ना, तो इसलिए कैन बी डन फ्रॉम द सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, उस केवल सिंगल पॉइंट से वो तमाम रेज डन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, देयर आर डॉट डॉट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, देयर आर डॉट डॉट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, यहाँ पर इनफाइनाइट फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, इनफाइनाइट। ओके, एफ है अ लाइन सेगमेंट हैज अ डॉट डॉट लेंथ, ठीक है ना, अ लाइन सेगमेंट हैज ए डॉट डॉट लेंथ, जो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना, वो यहाँ फिल कर लोगे डेफिनेट, क्या फिल करेंगे डेफिनेट, जैसे लाइन सेगमेंट क्या, ये लाइन है, लाइन ये लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक इसको इसका पॉइंट होता है, ये डेफिनेट पॉइंट होता है सेगमेंट का, रेखाखंड जिसको बोलते हैं, राइट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी ये निश्चित दूरी होती है, निश्चित डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, इसका एक मेजर जिसको हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बनते हैं ये डिफिनिट, ठीक है, निश्चित सब दूरी होती है, निश्चित लेंथ होती है, डिफिनिट लेंथ, यहाँ डिफिनिट फिल कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ फिगर गिवन बिलो, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, फर्स्ट क्या है, देखिए एक लाइन आपको ऐसे ये ड्रा किया गया है, और जो भी आप लोग यहां पॉइंट है, ओके, जो यल और यहां पर पॉइंट है यल, और ये यहां पर वन साइड में येरो आपका ड्रा हुआ है, वन साइड में येरो ड्रा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है, ओके, वन साइड में आपका येरो बना हुआ है, तो अब यहाँ पर आपको राइट करना, आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज है ये, ठीक है ना, यही तो कहा जा रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ फिगर गिवन बिलो, ये फिगर निम्नलिखित में से जो फिगर दिए गए ये किस प्रकार कौन से फिगर ये, इसका नेम आपको राइट करना है, तो क्या अभी हमने बताया रेज जो होता है वो वन साइड में ही वर्क करता है, तो इस पॉइंट से लेकर के वन पॉइंट पर अगर ऐसे कोई फिगर का वर्क वो रे होता है, यहाँ रे राइट कर देंगे, क्या कर देंगे रे, ओके, क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में दिया गया सेकंड, यहाँ दोनों साइडों में पॉइंट दिया गया, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ ए भी माना गया है, ए बी ए वन मिनट, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ ए माना गया, यहाँ पर बी माना गया है, ओके, और यहाँ पर आपको राइट करना है कि ये फिगर क्या है, कौन सा फिगर है, ओके, तो क्या अभी हमने बताया आपको कि जब दोनों यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट हो, ठीक है, लेकिन निश्चित दूरी हो, निश्चित लेंथ हो, डिफरेंट लेंथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं, या तो लाइन सेगमेंट फिल कर देंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ओके, सेकंड क्या, थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है, ये लाइन दी गई है और दोनों साइड में ये बना हुआ है, यहां पर डी माना है, यहां पर सी माना है, सी डी, ओके, सी डी मान लिया है, अब इसको क्या करेंगे, ये क्या चीज है, अब लाइन है, देखिए ये लाइन है, ये क्लियर है, ओके, अब लाइन ये कैसे है, वर्टिकल में है, यहां पर हम राइट कर देंगे वर्टिकल लाइन,
वर्टिकल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब इसके बाद इसमें क्या है, वन लाइन ऐसे और दी गई है, इसके भी दोनों साइड में एरो है, ये भी लाइन है। यहां पर कुछ क्या इसने मान लिया, टू पॉइंट माना है, पी क्यू यहां पर पी क्या है, ये स्लाइटिंग लाइन है, यहां पर राइट कर देंगे, यहां पर राइट कर देंगे स्लाइटिंग लाइन। ओके, सेम इसी तरीके से आपको करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में कहा ऑब्जर्व द गिवन एंगल एंड क्लासिफाई देम। जो भी आपके एंगल इसमें दिए गए हैं उसको आपको बताना है कि किस डिग्री का, कितने डिग्री का है और कौन सा एंगल है, ये आपको क्लासिफाई इसको करना है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें दिया गया वन एंगल ड्रा किया गया है। देखिए क्या पॉइंट दिया गया इसमें, ए बी ओ, ए बी ओ यहां पर दिया गया। अब आप इसको बताना है कि ये जो है कितने डिग्री का है, ऑब्जर्व द गिवन एंगल एंड क्लासिफाई देम, ठीक है ना, ये कितने डिग्री का है और कौन सा एंगल है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये आप लोग अपने जो चाहता है उससे जो है इसको मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद इसको जो है बताएंगे कितने डिग्री का, और दूसरी बात ये किस कौन सा एंगल है ये बताना है। तो यहाँ पर इसको जब मेजर करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन होता है, एक्यूट एंगल कैसे जानोगे कि एक्यूट एंगल है, जीरो डिग्री से लेकर के, जीरो डिग्री से लेकर के, जीरो डिग्री से अब और 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक जो है एक्यूट एंगल होता है। ओके, तो 89 जीरो से अब और 89 से बिलो, यानी 89 से कम जितने भी एंगल होंगे वो सब एक्यूट एंगल होंगे। लेकिन अब उनका जो ये डिग्री होगी मेजर करोगे तो वो यहाँ 30 है, यहाँ पर मेजर करने 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 89 तक, 89 तक जो है एक्यूट एंगल होगा जीरो से अबव और 90 से बिलो। ओके, मींस 89 डिग्री तक आपका एक्यूट एंगल होगा। ओके, अब सेकंड जो दिया गया है, सेकंड पिक्चर जो ड्रा किया है, बी, बी में क्या है, ए बी ओ, अब ये क्या है, अब ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल, कितने डिग्री का राइट एंगल, ओनली 90 डिग्री, जो भी एंगल 90 डिग्री के होंगे उसको हम राइट एंगल कहेंगे। ओके, तो यहां पर 90 डिग्री कॉमा राइट एंगल, ओके, राइट एंगल, इसको हम इसको ऐसे इसका क्लासिफाई कर लेंगे और इसका मेजर कर लेंगे। अब सेकंड देखिए, थर्ड में दिया गया, थर्ड में कौन सा है, थर्ड में
ऐसे दिया गया है। ए ओ बी ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये 180 डिग्री का है। 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर ऐसे कोई एंगल दिया गया है यहां पर, ओके ऐसे दिया गया है तो 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। क्लियर। सेम इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ई एफ जी एच ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसको इसको मेजर करके इसका जो मेजर करके इसके जितने डिग्री का इसको राइट कर लेंगे और कौन सा एंगल है किस पर इसका क्लासिफिकेशन क्या वो आपको राइट कर लेना। ओके क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको ई एफ जी एच इसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेजर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग आर प्रोटेक्टर एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ओके यहां प्रोटेक्टर यूज करके आपको ये बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है और कौन सा एंगल है। ओके तो देखिए फर्स्ट एंगल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको आपको ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है और कितने डिग्री का है। तो जब प्रोटेक्टर यूज करोगे तभी इसको क्लियर कर पाओगे कि ये कितने डिग्री का है। जैसे प्रोटेक्टर जो दिया गया है देखिए अभी हम बताते हैं आपको, ये प्रोटेक्टर इसमें दिया गया। देखिए जो प्रोटेक्टर होता है उसके बिल्कुल प्रोटेक्टर यहाँ पर जो भी दिया गया है, देखिए ये भी दिया गया जो मेजर करने का सिंपल मेथड होता है, जो प्रोटेक्टर का मेन पॉइंट होता है। देखिए नीचे जो वन लाइन ऐसे ड्रा हुई है, वन लाइन जो ड्रा हुई है उसको हम इस लाइन के ऊपर रख देते हैं और जो मेन पॉइंट होता है मिडिल पॉइंट प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट हम इस पॉइंट पर रख देते हैं, इस पॉइंट पर रख देते हैं और मिडिल पॉइंट को जब इस पर रखेंगे तो उसका हाफ प्रोटेक्टर का जो नीचे की लाइन होगी वो इस लाइन पर बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। क्लियर होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस पर इसी पर वो लाइन ऊपर होनी चाहिए, इसी के ऊपर आप उसको हम मेजर करेंगे। तो जब मेजर करेंगे तो देखिए इसमें डिग्रियां दी गई होगी, जब आप इस डिग्री को यहाँ से तो यहाँ पर इसके नीचे जीरो, यहाँ पर जीरो होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे उसमें यहाँ तक दबाओगे, यहाँ पर बिल्कुल इसके स्टेट पर यहाँ पर दबाओगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बना होगा। ओके और इसके जब पूरा इधर आओगे तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ बिल्कुल जब मिडिल में आएंगे तो 90 होगा, जब इसके यहाँ पर आ जाएंगे इसके स्टेट में तो 180 डिग्री हो जाएगा। ओके तो जब मेजर करते हैं तो यहाँ जब प्रोटेक्टर हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है ना, कि ये कितने डिग्री का है। अगर ये यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 10, 20, 30 बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 बहुत
अगर ये अगर आपके प्रोटेक्टर में ऐसे तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ये जिस नंबर पर आ जाएगा, ये लाइन जिस नंबर पर आ जाएगा ठीक है ना, वहीं पर हम ऐसे टिक कर लेते हैं और वहीं पर देख लेते हैं ये कितने डिग्री का। मान लीजिए ये 40 पर आ गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री पर आ गया तो यहाँ पर 30 राइट कर देंगे। अगर 30 और 40 के बीच में आ गया तो वहाँ 35 कर देंगे। ओके देखिए 30 और 40 के बीच में भी बिटवीन में वहाँ पर भी एक बड़ी लाइन होगी हल्की से, तो वहाँ पर 35 यानी 40 और 30 के बीच में जब होगा तो 35 होगा। ओके और उससे मान ली 35 से 1 पॉइंट आगे तो वहाँ पर एक छोटी छोटी और लाइन स्मॉल पॉइंट दिए गए होंगे, तो उसको काउंट हम करते हैं। जब उसको काउंट करेंगे तो वहां पर 35, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे उसमें दिया गया, उसी को काउंट करके हम इसको मेजर करते हैं। ओके और जब हम ये देखते हैं कि ये 30 डिग्री का है तो मान लीजिए ये 30 डिग्री का है। ओके 30 डिग्री का है, हमने मेजर कर लिया 30 डिग्री का है और 30 डिग्री अब ये कौन सा इसका क्लासिफाई जब करोगे तो कौन सा एंगल होगा, तो यहाँ पर राइट क्या कर दोगे जब क्लासिफाई करोगे तो कौन सा एंगल हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, यहाँ से राइट है 30 डिग्री एक्यूट एंगल। ओके एक्यूट एंगल ऐसे हम राइट कर लेते हैं। इसी के कारण क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बी दिया गया है इसको जब हम मेजर करेंगे वन क्वेश्चन इसको हम बता दे रहे हैं। अब ये क्लियर नहीं, ये जब आप प्रोटेक्टर से इसको बिल्कुल क्लियर करोगे तब ये क्लियर होगा कि 30 डिग्री है या 30 डिग्री जवाब है, 40 है, 50 है, क्या है, इसको आपको मेजर करना। मैंने ये नियर अबाउट ये मान करके मैंने राइट कर दिया है, ये आपको मेजर करके इसको इसकी डिग्री राइट करना है। ओके या ओ अब इसको आपको मेजर करना है। ओके इसको मेजर करना, फिर उसी प्रोटेक्टर से आपको इसको मेजर करना है। प्रोटेक्टर का जो मेन पॉइंट होगा हम उसको इस पॉइंट पर रखेंगे जो मिडिल पॉइंट है, और उसके नीचे की जो लाइन है उस लाइन को हम इस लाइन पर इस पर रखेंगे और फिर काउंट करेंगे। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पर जब पहुंचेंगे तो हमारा ये स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर दिखाएगा ये। ओके ये 90 डिग्री पर क्लियर, ये 90 डिग्री पर बिल्कुल क्लियर आपको दिखाएगा ठीक। अब 90 से जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो 90 फिर 100 हो जाएगा, 100 का 100 10 हो जाएगा, 120, 130 ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 90 से कितना यगब है, कितना ज्यादा है ठीक, तो 90 से अगर 10 डिग्री इधर हो गया तो 90 का 100 डिग्री हो गया, तब यहाँ पर राइट कर देंगे 100 डिग्री। ओके 100 डिग्री राइट कर देंगे। अब इसको जब 90 से यगब जब होगा तब कौन सा एंगल होगा, तब आप्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप्यूट एंगल, आप्यूट एंगल यहाँ राइट कर देंगे। ओके यहाँ आप्यूट एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको टोटल इसमें जितने एंगल दिए गए हैं इसको मेजर करके और इसका नेम राइट कर देना और उसकी डिग्री राइट कर देना कितने डिग्री का है। ओके टोटल इसी प्रकार से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में ड्रा द फॉलोइंग एंगल इन योर नोटबुक यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं उतने नंबर के आप उतनी डिग्री के आपको एंगल ड्रा करना है। जैसे 45 डिग्री का फर्स्ट, फाइव का फर्स्ट दिया गया है, क्या 45 डिग्री ये फर्स्ट है, 45 डिग्री दिया गया। आप 45 डिग्री आपको कैसे इसको मेजर कैसे ड्रा करोगे, तो फर्स्ट टाइम आप लोग अपनी स्केल से वन लाइन ऐसे ड्रा करोगे, ओके, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करना है, लगभग 3 या 4, 4-5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेना, ओके। और जो प्रोटेक्टर का मेन पॉइंट मिडिल पॉइंट होता है उसको इस पर रखना, ओके, इस पर रख करके और जो उसके मिडिल पॉइंट इस पर रखो और उसके जो इस साइड वाली लाइन होगी उसको इस पर रख देना, ओके। प्रोटेक्टर आपका हाफ प्रोटेक्टर इधर आएगा, हाफ प्रोटेक्टर इधर, इस प्रोटेक्टर से इधर से कोई मतलब नहीं आपका, इधर मिडिल पॉइंट से इधर का आपका मींस है यहाँ पर, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इधर क्या करें, यहाँ से जीरो डिग्री देखो है, यहाँ से जीरो डिग्री से टेन वहां पर उसमें मार्क बने हैं और नंबर भी राइट हुए हुए हैं, तो उसको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, आप 40, यहाँ 50 डिग्री, आपको 50 और 40 के बीच में देखोगे, 50 एंड 40 के बीच में देखोगे कि वन लाइन ऐसे और हल्की सी लॉन्ग है, तो वहीं पर जहाँ पर वो 40 के बाद 45 तब 50 होगा ना, वहीं पर आप पेंसिल से यहाँ पर प्रोटेक्टर पर यहाँ पर टिक करके यहाँ टिक कर दीजिएगा और प्रोटेक्टर को हटा लेंगे। हटाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप स्केल लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे यहाँ से, ओके, ऐसे इसको मिला देंगे, ओके, स्केल से आप ऐसे मिला देंगे। अब जब मिला देंगे यहाँ पर इसको टच करा देंगे, इसको मिला देंगे कि हाँ ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, ओके। अब ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, यहाँ राइट कर देंगे 40, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी यहाँ पर देखिए 45 डिग्री तक राइट करोगे तो इस पॉइंट पर यहाँ रखोगे, ये नहीं कि यहाँ पर लगा दोगे 450 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आपको स्मॉल पॉइंट रख देंगे, ओके, 45 डिग्री हो गया, इसको राइट कर देंगे एक्यूट एंगल, क्या हो गया एक्यूट एंगल राइट कर देंगे, क्लियर, एक्यूट एंगल हो गया। इसी के अकॉर्डिंग जिसमें 30, 80, 65, 90, 110, 145, 70 इतने नंबर्स दिए गए हैं, इतने नंबर्स के आपको एंगल ड्रा करना है, क्लियर। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके, और सभी लोग अपनी फियर कॉपी कंप्लीट करके वो जितना वर्क किया करेंगे उसको सेंड कर दिया करेंगे, ओके।